देवबंद थाना क्षेत्र में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा रोड शो निकाला गया। साथ ही ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा गया। इस दौरान पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुफ्ती असद काजमी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और तीन काले कानून जो लाए गए हैं, किसान इन कानूनों से खुश नहीं है। इसी कारण किसान दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज जो है मार्च निकाला गया, इसका मकसद भी यही है। ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे किसान खुश नहीं है। वो सरकार से बराबर इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देवबंद से अफजाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। रोड को निकाला जा रहा है। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा जहां अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इस देश के अंदाजा किसानों की लड़ाई बराबर मजबूती से लड़ता आ रहा है। जिस तरह से 60 दिन हो गए हैं, 2 महीने के से अधिक आंदोलन करते हुए हमारे देश के लाखों अन्नदाता किसानों को दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ये तीन काले कानून लेकर आई है, इन तीन काले कानूनों से जहां इस देश का किसान बर्बाद होगा, वहां आम नागरिक, आम उपभोक्ता बर्बाद हो जाएगा और ये देश बर्बाद हो जाएगा, एक बार फिर गुलाम हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकारें देश को एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में धकेलना चाहती हैं, जिसके लिए इस देश का अन्नदाता किसान आज खड़ा हो चुका है। हम प्रदेश सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपये क्विंटल घोषित नहीं किया है। 2.5-3 महीने गन्ना सीजन को चलते हुए हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने गन्ने का लाभकारी रेट घोषित नहीं किया है, और पिछले वर्षों का भी 2000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर बका है, और पिछले वर्षों में जो देरी से चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान किया है उस पर लगा ब्याज 5000 करोड़ रुपए 119 चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश में बका है, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया हुआ है कि किसानों को ब्याज दिया जाए। तो जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं होंगे, गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपए क्विंटल घोषित नहीं होगा, गन्ना किसानों को ब्याज और उसका पूरा भुगतान नहीं होगा, तब तक ये पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का और गन्ना किसानों का यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और हम आज यहाँ पर देवबंद में हम लोगों ने ट्रैक्टरों का जुलूस निकाला है, और हम लोग 25 तारीख को ट्रैक्टर लेकर यहाँ से दिल्ली तक कूच करेंगे। कुछ हल नहीं निकला है। देखिए, इस बार पहली बार सरकार सोचने पर मजबूर है। आज तक सरकार लगातार देश विरोधी फैसले लेती आई है, लेकिन इस बार सरकार को, केंद्र सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं, और उसी का परिणाम है कि सरकार आज ये कह रही है, केंद्र सरकार, कि हम इसे 1.5-2 वर्ष के लिए स्टे कर देंगे, इन कृषि काले कानूनों को। लेकिन ये काले कानून है और किसानों का अन्नदाता किसानों के डेथ वारंट है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक इस देश के अन्नदाता किसानों का आंदोलन बराबर जारी रहेगा। इसमें इस बार किसान दिल्ली से उठने वाला नहीं है। देखिए, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की जानिब से जो आंदोलन किया जा रहा है, वो तमाम ही लोगों को मालूम है कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है और तीन काले कानून जो लाए गए हैं, किसान उस कानून से खुश नहीं है। इसीलिए किसान जो है दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, और आज जो ये मार्च निकाला गया है उसका मकसद भी यही है। ऐसे कानून बनाए गए जिससे किसान खुद खुश नहीं है, और वो सरकार से बराबर ये मांग कर रहे हैं कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही। और इससे सिर्फ किसानों का नुकसान ही नहीं, इससे पूरे मुल्क का नुकसान है, क्योंकि महंगाई की मार जो है पूरे मुल्क के ऊपर पड़ेगी, किसानों के ऊपर सिर्फ नहीं पड़ेगी। किसान तो अपने खाने पीने के लिए खेती के अंदर से बचा के रख सकता है, लेकिन एक आम आदमी जो दूसरी दुकानों से खरीदेगा, अडानी अंबानी के गोदामों से खरीदेगा, उससे पूरे मुल्क को नुकसान है। उसी को लेकर ये जो आज रैली निकाली गई, मार्च निकाला गया।